هاكر هاكر. हेलो गाइस, क्या आपकी फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट वगैरह नहीं लग पाते? यानी गाइस, आप जब भी फ्री फायर गेम में हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो तो कभी तो जो आपका एम होता है ना वो एनिमी की बॉडी पर ही चिपक जाता है, या फिर कभी कभी जो आपका एम होता है ना वो एकदम हवा में चला जाता है, बट आपके परफेक्ट तरीके से नहीं वन टैप लग पाते एंड नहीं आपके ड्रैग हेडशॉट लग पाते हैं। तो गाइस, ये सब आपकी गलत सेंसिटिविटी की वजह से होता है। यानी आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखते नहीं हो एंड इधर उधर से सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हो। अब गाइस, जो दूसरे बंदे की सेंसिटिविटी को कॉपी करने से आपके लाइफ में कभी भी हेडशॉट नहीं लग पाएंगे। आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखना पड़ेगा जिससे आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस तक सभी डिवाइस के लिए बेस्ट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप उस सेंसिटिविटी को अपने डिवाइस में अप्लाई करोगे तो आपके भी 100% वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसके अलावा गाइस, देखो, हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी के साथ साथ आपका जो फायर बटन का साइज एंड पोजीशन भी मैटर करता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बेस्ट फायर बटन का साइज एंड पोजीशन भी बताने वाला हूँ, बट उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। तो अभी से इस वीडियो को आप लाइक कर दो एंड चैनल को भी प्लीज यार ध्यान से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस, यहाँ से मैंने सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को ओपन कर लिया है। अब गाइस, यहाँ पर आपको बहुत सारी सेंसिटिविटी की सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको हर एक सेंसिटिविटी के बारे में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से लास्ट तक वॉच करना है। अब गाइस, को सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस, को वैसे तो फ्री लुक का और हेडशॉट का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, आप इसकी वैल्यू को जितना चाहो उतना रख सकते हो, इसका फर्क आपके हेडशॉट पर नहीं पड़ने वाला है। बट गाइस, अगर बात की जाए बेस्ट फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में, तो चाहे बस लो एंड डिवाइस से ही चाहे बस हाई एंड डिवाइस से ही, आपको हर एक डिवाइस में अपने इस फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी को 70 यानी गाइस आपको 70 रख देना है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी स्नाइपर गन जैसे ओम कार 98 M8 2B या फिर फ्री फायर गेम के अंदर जितनी भी स्नाइपर गन्स है, अगर आप किसी भी स्नाइपर गन के स्कोप को ऑन करके एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो वहाँ पर आपकी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है जैसे 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 50 यानी गाइस आपको 50 रख देना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है जैसे 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो बस आपको ऐसे डिवाइस में अपनी स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 40 यानी गाइस आपको 40 रख देना है। अब हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस, देखो, ये जो 4x स्कोप सेंसिटिविटी है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज के गन में 4x का स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो वहाँ पे आपकी 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है जैसे 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 130 यानी गाइस आपको 130 रख देना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है जैसे 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 100 यानी गाइस आपको 100 रख देना है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज के गन में 2x का स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो वहाँ पे आपकी 2x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है जैसे 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी गाइस आपको 140 सेंसिटिविटी रख देनी है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है जैसे 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो गाइस आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 110 यानी गाइस आपको 110 सेंसिटिविटी रख देनी है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस, देखो, मैक्सिमम प्लेयर को पता ही नहीं होता कि ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो कब वर्क करती है। अब गाइस, जो रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी है ना वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज के गन में कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो एंड जब वहाँ पे वो छोटा वाला 1x का डिफॉल्ट स्कोप आता है ना, तब वहाँ पे आपकी जो रेड डॉट सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है जैसे 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में
अपने इस रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 120 यानी गाइस आपको 120 सेंसिटिविटी रख देनी है। बट गाइस अगर आपको इसको भी हाई एंड वैसे जैसे 6GB RAM 8GB RAM 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपने इस रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 90 यानी गाइस आपको 90 रख देना है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस हम काफी इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में, वो है गाइस जनरल सेंसिटिविटी। अब गाइस को हेडशॉट मारने के लिए ये वाली सेंसिटिविटी काम करती है, तो इस वाली सेंसिटिविटी के बारे में आपको ध्यान से समझना है। अब गाइस देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है जैसे 1GB RAM 2GB RAM 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को 185 यानी गाइस आपको 185 सेंसिटिविटी को रख देना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना गाइस वो लो एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप लो एंड डिवाइस में इस वाली सेंसिटिविटी को रखोगे तो आपके हर एक गन से ओनली रैंडम ही लगने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर लो एंड डिवाइस है तो आपको उसमें अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 185 रख देना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई हाई एंड डिवाइस है जैसे 6GB RAM 8GB RAM 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को 165 यानी गाइस आपको 165 सेंसिटिविटी को रख देना है। मेरे पास खुद एक 6GB RAM का हाई एंड डिवाइस है, मैं उसमें 165 सेंसिटिविटी पर ही खेलता हूँ एंड मेरे इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग जाते हैं। तो वैसे अगर आपके पास भी हाई एंड डिवाइस है तो आपको उसमें ये जो जनरल वाली सेंसिटिविटी है ना इसको आपको 165 ही रखना है। अब अगर जो यहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी की सेटिंग होती है खत्म, अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजिशन के बारे में। अब अगर जो हेडशॉट मारने के लिए आपका जो भी फायर बटन का साइज एंड पोजिशन भी मैटर करता है। अगर आप अपने फायर बटन को गलत जगह रख देते हो या फिर अपने फायर बटन का गलत साइज कर देते हो तब भी वहाँ पे आपके हेडशॉट नहीं लगने वाले। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग बेस्ट फायर बटन का साइज एंड पोजीशन क्या कुछ होने वाला है। अब गाइस देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के बारे में। यानी गाइस बहुत सारे बंदे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम अपने फायर बटन को कहाँ पर रखें, यहाँ रखें, वहाँ रखें या फिर कहाँ रखें। अब गाइस देखो बेस्ट फायर बटन की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने फोन को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, एंड आपका जो भी थंब यानी जो अंगूठा है ना उसको आपको बिना देखे बार बार टच करना है, ठीक है। आपको बार बार फायर करने का ट्राई करना है, बार बार आपको टच करना है। तो गाइस जहाँ पे आपका जो भी अंगूठा बार बार टच हो रहा है ना बस वहीं पर आपको अपने फायर बटन को ऐसे रख देना है, तो वही आपके फायर बटन की बेस्ट पोजीशन बन जाती है। बिकॉज जो भी आपका अंगूठा है ना वो बार बार वहीं पे टच हो रहा है एंड जब भी आप फायर करोगे एंड आप बिना देखे भी फायर करते हो तब भी वहाँ पे आपके एकदम परफेक्ट फायर वाले बटन टच होगा बिकॉज आपका अंगूठा वहीं पर बार बार टच होता है। एंड इसके अलावा गाइस देखो फायर वाले बटन की पोजीशन में आपको एक और चीज का ध्यान देना है, वो गाइस आपका जो फायर वाला बटन है ना वो ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो फायर वाला बटन है वो ज्यादा ऊपर रहेगा तो आपको गाइस ट्रैक करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा एंड जब भी आप ट्रैक करोगे ना तो वहाँ पे आप ड्रैग ही नहीं कर पाओगे, तो ड्रैग नहीं करोगे तो वहाँ पे आपका हेड भी नहीं लगने वाले हैं। तो गाइस आपको इस चीज का भी ध्यान देना है, आपका जो भी फायर वाला बटन है ना वो थोड़ा नीचे होना चाहिए। अगर आपका फायर वाला बटन नीचे रहेगा तो आपको ऊपर ट्रैक करने के लिए स्पेस मिल जाएगा एंड जब भी आप ऊपर ट्रैक करोगे पूरा तो वहाँ पे आप इजीली सामने वाले को वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। ये बात रही गाइस बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन के साइज के बारे में। अब गाइस को आप अपने फायर बटन के साइज को 10 से लेके 100 तक इनक्रीज कर सकते हो। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना जैसे 1GB RAM 2GB RAM 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपने इस फायर वाले बटन के साइज को 45 रख देना है। ये वाला जो फायर वाले बटन का साइज है वो लो एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप इस फायर वाले बटन के साइज पे फ्री फायर गेम को खेलोगे तो आपके भी इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग जाएंगे एंड जब भी आप फायर करोगे वहां पे आपको मिस फायर की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है जैसे 6GB RAM 8GB RAM या फिर 12GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपने इस फायर वाले बटन के साइज को 50 यानी गाइस आपको 50 रख देना है। ये वाला जो फायर वाले बटन का साइज है वो हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। मेरे पास खुद एक हाई एंड डिवाइस है, मैं उसमें 50 फायर वाले बटन के साइज पर खेलता हूँ एंड मेरे इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगते हैं एंड मेरे को कोई भी मिस फायर की भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपको हाई एंड डिवाइस में अपने फायर वाले बटन के साइज को 50 यानी गाइस आपको 50 रख देना है। तो बस गाइस यही है इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार मेरे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।